नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अरे यहाँ जी के की देखो अपना कार्यक्रम चल रहा था, एक जिला एक नजर में कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन हमारे जूनियर इंजीनियर साहब जी साहब की मांग हुई और गुरुजी नेशनल हाईवे डाल दो। भाईयो जो टॉपिक था हमने नहीं कर रखा ना कितने, वो मैंने बता दियो, मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों का प्यार से यहाँ पर भाई, जिसने अपना कमेंट करके बता दियो, जिसने नो हो अगर मेरा मजार याद को नहीं होंगी, मेरा हाईवे याद को नहीं होंगे, मेरा सदा अपना याद को नहीं होंगी, कहने का मतलब ये हो कमेंट करो टॉपिक पाओ। ठीक है, आपके लिए ही हो चैनल, आपका अपना चैनल है, लाइक करो शेयर करो पसंद करो, आपने आगे इसको बढ़ाना है। तो साथियों अपना जिला तो चल रहा है, कार्यक्रम की शुरुआत यह होगी है और जिला में आज हम पहुंचे हैं बहुत ही बेहतरीन जिला करनाल, हरियाणा का पेरिस आज आपने दिखाऊंगा मैं, जिसने वर्तमान में हरियाणा का पेरिस कहा जा है, सीएम सिटी करनाल मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं, तमाम बातें करेंगे चर्चा करेंगे। तो आइए करनाल जिला एक नजर में शुरुआत करा हाँ स्थापना कर, स्क्रीन शॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं साइड में हट गया हूँ क्योंकि मैं साफ करना पड़ेगा, ये बड़ा जिला है कोई चीज और लिखनी है, और एक भाई वो बताएगा उसके बाद इसमें साफ कर दूंगा, नक्शा बना रहेगा लेकिन जो और चीज है वो इसके साथ मैं बता दूंगा। तो साथियों आइए एक नजर में करनाल जिला आपके लिए लेके आया हूं, और सबसे पहले करनाल की स्थापना भाई, करनाल जिला कब बना, 1 नवंबर 1966 में करनाल की स्थापना साथियों, हरियाणा बनाया था 1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा के 7 जिले थे, उन 7 जिला में एक जिला कौन सा था, करनाल भी था, कौन सा था भाइयों, करनाल। उसके बाद अगला प्रश्न है मुख्यालय, करनाल का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय साथियों करनाल सिटी में है, कहां पर है करनाल सिटी में इसका के है मुख्यालय है। स्थापना पूछो तो 1 नवंबर 1966 में, मुख्यालय पूछो तो करनाल सिटी में इसका मुख्यालय है। उसके बाद साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाइयों, हर पेपर में पूछी जा है, बार बार पेपर माँ है, गरुंडा कहां पर है, इंद्री कहां पर है, तो इसकी प्रमुख तहसील कौन सी है, तो इसकी तहसील साथियों असंदे, नीलोखेड़ी, इंद्री व गरुंडा, 4 तहसील है और 5वीं करनाल खुद तहसील हो गए है जिला, तो ये तहसील है इसकी भाइयों, के है ये तहसील है। उसके बाद है उप तहसील भाई, उप तहसील में निसिंग व बल्ला इसकी के हैं उप तहसील है साथियों। तो स्थापना 1 नवंबर 1966 में मुख्यालय करनाल सिटी में, ये तहसील आप लोगों तय बता दी है दिखा दी है। उसके बाद है जनसंख्या भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15,05,324 जनसंख्या कितनी है, 15,05,324 इसकी के है साथियों जनसंख्या है। उसके बाद क्षेत्रफल भाइयों, 25-20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है करनाल का, 25-20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या का अंतर देखो, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा सिरसा का है 42-73, जनसंख्या का अंतर इसका कितना 597 है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या का अंतर है 24-42 फरीदाबाद का, वो जी जिले करा उनमें बता दे रहा आगे, लेकिन आज आप करनाल जिला करा तो करनाल के बारे में पढ़ाएंगे, और करनाल का जो है क्षेत्रफल है वो 25-20 है, जनसंख्या का अंतर कितना है 597 प्रति वर्ग किलोमीटर, 597 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका के है। तो जनसंख्या का अंतर 597। ठीक है भाइयों, उसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना 887 है करनाल का, लिंगानुपात साथियों कितना 887 है। उसके बाद भाई साक्षरता दर पढ़े लिखे आदमी कितने हैं, 76.4% या करनाल की साक्षरता दर है। ठीक है भाइयों, उसके बाद अगला है दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब यो है 2001 व 2011 के बीच में जो 10 साल है इनमें कितनी जनसंख्या वृद्धि है, उसकी वृद्धि दर कितनी थी, तो 18.2% उसकी वृद्धि दर थी 10 साल में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ठीक है भाइयों, उसके बाद अगला है प्रमुख फसल भाई, प्रमुख फसलों में कलंदर शाह की गुबंद और सावनी चर्च जिसकी ऊंचाई है 100 फीट ऊंचाई है
और करण जलाशय, ये इसके के हैं प्रमुख सतल हैं। उसके बाद आजा साथियों इसके उद्योग का जिक्र करूं मैं, तो उद्योग में बहुत ही प्रसिद्ध उद्योग है लिबर्टी जूते भाई, लिबर्टी जूते उद्योग जिनकी स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में लिबर्टी जूते उद्योग की स्थापना की गई थी। उसके बाद वनस्पति उद्योग भी है, प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? वनस्पति उद्योग भी करनाल में है। एनसीसी अकेडमी की स्थापना गोंडा में कब हुई? 2016 में एनसीसी अकेडमी की स्थापना कहां पर हुई थी? गोंडा में हुई थी। कहां पर हुई थी? गोंडा। उसके बाद यह अगला है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में कुंजपुरा, 1961 में कुंजपुरा करनाल में, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां खुल गया? 1961 में कुंजपुरा करनाल में। और हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी भाइयों, बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 6 अप्रैल 2016 में अंधनथली, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 6 अप्रैल 2016 में कहां खुला था? अंधनथली करनाल में खुला था। तो साथियों यो करनाल जिले की शुरुआत कर दी अपन है, और शुरुआत आप लोगों को बताई है भाई, शुरू में ही ना मैं साफ करती हूँ थोड़ा हा, क्योंकि और साथियों करनाल के अंदर 2012 में कल्पना चावला यूनिवर्सिटी बनी भाई, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कब बनी? 2012 में बनी थी, जिसका वर्तमान नाम के है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। के नाम भाइयों? पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी भाई। 2012 में कल्पना चावला यूनिवर्सिटी बनी, वर्तमान नाम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी इसका नाम है। उसके बाद साथियों करनाल में बहुत से अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं डेयरी अनुसंधान भाइयों, डेयरी अनुसंधान कहां पर है? करनाल में। इसकी स्थापना 1955 में। डेयरी अनुसंधान कहां पर है? करनाल में है। वो साथ ही इसकी स्थापना कब? 1955 में। उसके बाद है मिट्टी लवणता, मिट्टी लवणता अनुसंधान करनाल में, स्थापना 1969 इंग्लिश भी बोलेंगे 1969। और इससे दिन चंडीगढ़ में किसी स्थापना हुई थी साथियों? शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी इसे वर्ष 1969 में। और देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। और हरियाणा का जो डप नृत्य है ना, वो पहली बार हरियाणा की जो देश की झांकी थी 26 जनवरी की, वो 1969 में शामिल किया गया था। उसके बाद है गेहूं, नंबर 3 है गेहूं है जो अनुसंधान, गेहूं है जो अनुसंधान, इसकी स्थापना है साथियों वर्ष 1978 में। और यो भी कहां पर है? करनाल जिले के अंदर है। डेयरी अनुसंधान वर्ष 1955 में करनाल में बनया, मिट्टी लवण अनुसंधान वर्ष 1969 में करनाल में बनया, गेहूं है जो अनुसंधान वर्ष 1978 में करनाल में बनया। उसके बाद है नंबर 4 पशु अनुवांशिकी, पशु अनुवांशिकी स्थापना भी साथियों वर्ष 1984 में हुई थी, और वह भी की तो हुई थी करनाल में हुई थी। पशु अनुवांशिकी स्थापना वर्ष 1984 में कहां पर हुई? करनाल में हुई थी। और वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्यों हुई थी भाइयों? वर्ष 1984 में क्यों हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वर्ष 1984 में सिखों के साथ दंगे हुए थे। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। वर्ष 1984 में कोलकाता में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी। वर्ष 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय व सफल फिल्म चंद्रावल रिलीज हुई थी। ये वर्ष 1984 की घटना थी। उसके बाद है
पशु अनुवांशिकी, एक शब्द और जोड़ दिया इसके साथ में ब्यूरो, पशु अनुवांशिकी ब्यूरो की स्थापना कब हुई साथियों? वर्ष 1985 में। एक शब्द यो जोड़ा, एक शब्द आप इस का जोड़ दो तो पशु अनुवांशिकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, और वह भी कहां पर हुई थी साथियों? करनाल के अंदर हुई थी भाई। उसके बाद देखो भाई, इसके अलावा करनाल में भाई, करनाल को किन किन नामों से जाना जाता है? करनाल का उपनाम है, वर्तमान में करनाल के किसके नाम है? देखो भाई, नंबर एक हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस के है, करनाल को हरियाणा का क्या कहा है? पेरिस कहा गया है। नंबर दो करण नगरी, ठीक है। नंबर तीन धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस करनाल, कर्ण नगरी करनाल, धान का कटोरा करनाल, ये इसके के साथियों उपनाम है। उसके बाद प्रश्न आ गया, करण झील कहां पर है? करण झील कहां पर है साथियों? तो यहां भी कहां पर है? करनाल में है। करण झील कहां पर है? करनाल में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे साथियों, वो है करण का टीला पूछे तो भाइयों, करण का कहां पर है भाइयों? थानेसर में। करण का टीला पूछे तो थानेसर में, ध्यान रहे भाई, ऑप्शन में पहला ऑप्शन करनाल देगा, लेकिन प्रश्न है करण झील कहां पर है? करनाल में। लेकिन करण का टीला पूछे तो थानेसर हो। थानेसर किस जिले में साथियों? यो है कुरुक्षेत्र जिले में। कौन सा जिले में है भाई? कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर है। उसके बाद भाइयों करनाल, करनाल से वर्तमान मुख्य, वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक कौन है करनाल से? सीएम मनोहर लाल खट्टर भाई, सीएम मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान विधायक कहां से है? करनाल से। उसके बाद वर्तमान सांसद, वर्तमान सांसद कौन है साथियों? संजय भाटिया। वर्तमान सांसद कौन है? संजय भाटिया है। तो साथियों करनाल जिले में। उसके बाद देखो इसकी तहसील इंद्री भाइयों, इंद्री कहां पर है? करनाल में। और नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी के बारे में बता दूं, हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां खुला था? नीलोखेड़ी में वर्ष 1947 में। हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां खुला था? नीलोखेड़ी वर्ष 1947 में खुला था। उसके बाद असंग करनाल की तहसील है, गरहुंडा बार बार पेपर मा है, ये किसकी तहसील है? करनाल की तहसील है। और करनाल में साथियों एक जगह है तराइन, जिसका वर्तमान नाम है तराउड़ी। तराउड़ी जो है, एक बार बता दूं तराउड़ी के बारे में, तराइन में, तराइन के अंदर भाइयों पृथ्वीराज चौहान ने दो लड़ाई लड़ी, करनाल जिला बताने लग रहा हूं। तराइन जगह है एक, वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में नाम उसका तराउड़ी, लेकिन जब उस लड़ाई हुई उस टाइम इसका नाम था तराइन। पृथ्वीराज चौहान ने दो युद्ध लड़े, पहला 1193 में, दूसरा 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुआ, और दूसरे में मोहम्मद गोरी की जीत हुई भाई। यो अलग तक टॉपिक घेरूंगा, तराइन की जो लड़ाई है यो टॉपिक साथियों अलग तक घेरूंगा, लेकिन वो बता दी थी जो तराइन है, तराउड़ी है, वर्तमान वावा करनाल जिले के अंतर्गत आता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने दो युद्ध लड़े थे, पहला 1192 में,
और पहला 1191 सॉरी दूसरा 1192 में पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में मोहम्मद गोरी उस युद्ध में जीत गया था। उद्योग मैंने जिक्र कर दिया था, सबसे ज्यादा लिबर्टी के जूते हैं करनाल में है, दान कटोरा करनाल है साथियों, और उसके साथ ये तहसील थी नीलोखेड़ी में पहला, और नीलोखेड़ी के अंदर भाइयों पोल्ट्री प्रशिक्षण के अंदर पोल्ट्री प्रशिक्षण के अंदर पोल्ट्री प्रशिक्षण के अंदर भी कहां पर है नीलोखेड़ी के अंदर है, पोल्ट्री प्रशिक्षण के अंदर भी साथियों कहां पर है नीलोखेड़ी के अंदर है। उसके बाद साथियों करनाल जो है मंडल कब बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है मंडल, करनाल में फरीदाबाद साथियों दो मंडल नए बने थे हरियाणा में, वर्तमान में 6 मंडल हैं, पहले 4 थे, दो नए मंडल बने थे, नंबर 1 फरीदाबाद, नंबर 2 करनाल, ये बने कब मंडल बने साथियों 1 फरवरी 2017 को, करनाल में फरीदाबाद मंडल कब बने भाइयों 1 फरवरी 2017 को, और करनाल मंडल में कौन से जिले आए हैं, नंबर 1 कैथल और नंबर 2 पानीपत, ठीक है भाइयों करनाल में कैथल है पानीपत। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला भाइयों, कल्पना चावला किस जिले की थी, वह भी करनाल जिले की थी भाइयों, करनाल जिले की थी कल्पना चावला। और 1747 में करनाल में जो पेपर में आया भाइयों जी गुरु डी के जो पेपर है उसमें पूछा था 1747 में करनाल में किस किस के बीच युद्ध हुआ था, तो नादिर शाह व मोहम्मद शाह, नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच 1739 में करनाल में भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है भाइयों। तो करनाल जिला करनाल की तो तहसील है ये बता दी है, कॉलेज है वो बता दिया कल्पना चावला, लेकिन उसका नाम नया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वर्तमान में सांसद कौन है भाइयों संजय भाटिया। उसके बाद है मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, फसल फसला में सबसे ज्यादा लिखा में धान गेहूं गन्ना कपास सूरजमुखी, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाइयों इसमें एनएच 44 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो गोरंडा करनाल से, ये दिल्ली से होता हुआ गोरंडा से निकलता है करनाल से गोरंडा होकर जाता है, तो NH 44 है जिसका पुराना नाम था NH1 NH1 था। तो साथियों अनुसंधान देश के बारे में बता दिया था, और करनाल जिला वर्तमान में जो 1 नवंबर 1966 में बना था वर्तमान उसकी तहसील है ये दिखा दी थी आप लोगों को, और बहुत कम तक कम छोटा बनाने की कोशिश की गई थी, दो पर्सन बनाने की बजाय एक के में पूरी जो मेन पर्सन है क्योंकि पेपर नजदीक है भाइयों, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू एजेंसी साल का आप लोगों को ये प्रश्न बताए जा रहे हैं, कम तक कम वीडियो बना रहा हूँ और ओरिजिनल चीज जो है वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों छोटी सी वीडियो लेकर आया था जिला करनाल की, बहुत ही छोटी वीडियो बना दी है बिल्कुल, क्योंकि बहुत जल्दी करा हमने जिला, जो किताब इतनी पड़गी भाई हो हरियाणा हाईकोर्ट कराना है, हरियाणा का राज्यपाल कराने हैं, मुख्यमंत्री कराना है, विधानसभा करानी है, विधानमंडल अपना तो विधानसभा हवा करानी है, तो रोज दो दो वीडियो डालनी पड़ेंगे साथियों क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी कवर कराना मना आप लोगों का। तो ये जिले जो मेन जिले है भाई साहब मैं 10-12 जिले करा दूंगा जिन तक बार बार प्रश्न बड़े बड़े हैं। तो साथियों वीडियो पसंद आओ तो लाइक और शेयर जरूर करियो, आपका अपना चैनल है आपका बाल किशन भाई कोसी की, आपका पुनः धन्यवाद करता हूं इतना प्यार मिला, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय